शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पर डॉक्टर ने क्या कहा? दिल की बीमारी है इसे, खेलना कूदना सब बंद, सिर्फ आराम करने को कहा। और अभी के लिए जो है, अभी के लिए दवाइयां दी है और जांच करवाने के लिए कहा है। 10,000 रुपए लगेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा। आप एक बार कारखाने में बात करके देखिए ना, एडवांस के लिए। बेटा 3 महीने का एडवांस तो पहले ही ले चुका हूं, अब इससे ज्यादा एडवांस नहीं देंगे वो लोग। तो फिर गुड्डू की जांच कैसे होगी? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है पापा, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। शांति से बात करके देखता हूँ, शायद वो कुछ मदद करे। मैं आज ही दिल्ली निकल जाता हूँ ट्रेन से, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। पर पापा, चाची पैसे देंगी? पिछली बार 10,000 रुपए लिए थे, अब तक लौटा नहीं पाए। बेटा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, हो सकता है वो मदद कर दे। हाँ कह दिया तो ठीक, नहीं तो सोचेंगे कोई दूसरा। एक काम कर, तू खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। पापा घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, मैं क्या बनाती? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ राशन, तब तक तू चाय रख दे। जी। क्या यार अनीता, रोमांस के बीच में ऑफिस का काम कौन करता है? Because it's important. तुम्हें पता है सर ने जो प्रेजेंटेशन दी थी ना हमारे आने की, वो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। You wanna have a look? कमाल है। ये देखो। इतनी जल्दी प्रेजेंटेशन तुमने बना भी ली? कमाल है। तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स है क्या? सुपर पावर नहीं, जुनून कहते हैं इसे। तुमको पता है मैं चाहती हूँ कि मैं इस कॉर्पोरेट फील्ड में अपना नाम बनाऊँ, इसलिए मैं अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। पता है क्या, अच्छा मैं चाहती हूँ कि एक दिन लोग मेरी मिसाल दे इस कॉर्पोरेट फील्ड में। शायद इसी जुनून की वजह से जहाँ मुझे पहुँचने में 5 साल लगे थे, तुम 1 साल में पहुँच गई। इस जुनून को हमेशा बरकरार रखना। ऑफ कोर्स। पता है जिस सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपनी फैमिली, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अपने प्यार को भी भुला दिया, तो ये जुनून तो कम नहीं होगा। यार ये सब बात छोड़ो, तुमको प्रेजेंटेशन कैसी लगी ये बताओ। अरे यार छोड़ो उस प्रेजेंटेशन को, अब तुमने इतने जुनून के साथ बनाई है तो अच्छी होगी ना, बस बॉस को पसंद आनी चाहिए। अच्छा यार मुझे भूख बहुत लगी है, तुम ये बताओ कि खाने में बनाया क्या है? यार ये मुझसे कुकिंग शुकिंग नहीं होती है तुम्हें पता है, और घर पे भी राशन नहीं है। एक काम करती हूँ, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। छोड़ो, मैं घर जाते हो रास्ते से कुछ खा लूंगा, टेंशन मत लो। ओके। और हाँ एक बात पूछूं मैं, तुम अपने घर में मेड क्यों नहीं रख लेते? तुम्हें पता है कि ऑफिस का इतना काम रहता है, मैं मेड कहाँ से ढूंढूंगी बताओ। हमें तो क्या गम है, मेरी मेड है ना शांति, तो मैं उससे बोलूंगा कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी मेड ढूंढते हैं, ठीक है? प्लीज गो अहेड। कल मिलते हैं ऑफिस में। ओके, अभी के लिए टाटा बाय बाय। ओके ओके सी यू।
यस सर, कमिंग। मे कमिंग सर। हाँ सर, हाँ। सर कैंडिडेट्स की लिस्ट रेडी है, मैं दो तीन दिन में आपको मेल करता हूँ सर। सर डोंट वरी, आई एम पर्सनली इन्वॉल्व। ओके सर, बाय, थैंक यू। सॉरी गाइस, बॉस का कॉल था। सो प्रेजेंटेशन इज रेडी। अनीता, प्रेजेंटेशन। या सॉरी सर, वन सेकंड। या अरे गुड्डू, कहाँ जा रहा है? जा अंदर जाके आराम कर। दीदी मैं जा रहा हूँ नीचे खेलने। नहीं गुड्डू, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तू बाहर खेलने नहीं जाएगा। दीदी मेरी तबीयत ठीक हो गई, लो देखो ना, अब तो बुखार है ना गुड्डू। मैंने अंदर जाओ। लेकिन मुझे तो जाना है दीदी। अरे गुड्डू, गुड्डू रुकना। अनीता, कहाँ खोई हुई है यार? हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ सोच रही थी। तुम ऐसे तो कुछ सोच नहीं सकती, जरूर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा होगा। वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बॉस को तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आई है। He is impressed with you. Really? Yes. लेकिन तुम्हें फाइनल पीपीटी 2 दिन के अंदर बना के देनी होगी। उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं है, वो तो बन जाएगा पक्का। अच्छा अजय सर कॉल पे किसी लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें पता है क्या किस लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वो अगले महीने प्रमोशन होने वाले हैं ना मैनेजर्स की पोस्ट के लिए, बस उसी लिस्ट के बारे में। तुम्हें लगता है कि उस लिस्ट में मेरा नाम होगा? हो भी सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा वो सब जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने शांति से तुम्हारी मेड के लिए बात की है। एक दो दिन में तुम्हें तुम्हारी मेड जरूर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा काम रह गया तो वो खत्म करके निकली। एज यू विश, चलो कल मिलते हैं। क्या? बाय बाय, टेक केयर। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दे सकती मैं। मुझे चेक करना ही पड़ेगा कि उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। शर्मा को बोलो मुझे मेल करे इमीडिएट, समझता नहीं वो बात को। बोलो जल्दी से उसको मेल करने के लिए।
यहाँ क्या कर रही है? सर एक्चुअली सुबह मेरा पेन छूट गया था, यहाँ वही लेने आई थी। मेरा ये एक्चुअली लकी पेन है, तो एनीवेज बाय। कैसा गुड्डू? देख पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देख सेब। हाँ खाएगा? हाँ अभी दीदी खिलाएगा। ले बेटे काट के ले आओ। अच्छा दवा खा ली? पापा चाची ने पैसे दिए? 2000 रुपए दिए। कहा इतने ही है उसके पास। तो अब वो तेरे लिए एक काम बता रही है, वहीं दिल्ली में 10000 रुपए मिलेंगे महीने के। मुझे क्या काम है? वही झाड़ू बर्तन खाना बनाना, और इसके लिए तुझे वहीं दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। बेटा तू कर पाएगी? मैं गुड्डू के लिए कोई भी काम कर सकती हूँ, अब बस बताइए कब जाना है। कल ही। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। जी आप? जी वो हमें शांति ने भेजा है। अच्छा अच्छा आइए 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 अंदर आइए। बैठो बैठो। मैं नॉनवेज खाती हूँ तो बना लेती हूँ। जी बना लूंगी। गुड। और पहले से ही बता देती हूँ महीने में सिर्फ एक ही छुट्टी मिलेगी। जी चलेगा। मैडम जी वो पैसे? हाँ जी एक मिनट रुकिएगा। देख तू दिल छोटा मत कर, मैं तुझसे मिलने आता रहूंगा, और जब गुड्डू ठीक हो जाएगा ना तो तुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये लीजिए, महीने का एडवांस है, पूरे 10000 है। धन्यवाद शिखा। बेटा मैं चलता हूँ, तू है ना मन लगा के काम करना। अच्छा पापा अब तो पैसे आ गए हैं ना, आप गुड्डू की जांच करवा लीजिएगा और उसे टाइम पर दवा देना। उसे बाहर मत खेलने जाने दीजिएगा, बहुत जिद करता है। और हाँ अब जब अगली बार आएंगे ना तो गुड्डू को साथ ले आइएगा। ठीक है बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, मैं उसे संभाल लूंगा। नमस्ते। शिखा आओ तुम्हें काम समझा दो, आ जाओ। दीदी आपकी कॉफी। थैंक यू। दीदी खाने में क्या बनाओ? अभी तो घर में सिर्फ चावल दाल ही पड़े हैं, तो वही बना दो। जी दीदी। अच्छा शिखा ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं, तो अब से तुम यही पहनोगी, लेकिन नहाने के बाद ही खाना बनाओगी। ठीक है? ठीक है। जी आप? तो वही हो ना जिसे शांति ने भेजा यहाँ काम करने के लिए? जी हाँ वो। तुम बाहर क्या कर रहे हो? कब से वेट कर रही हूँ, आओ अंदर आओ। अरे यार तुम तो जानती हो ना दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है, कितना ट्रैफिक जाम था। अच्छा चलो अंदर चल के बात करते हैं। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। चलो मैं आती हूँ।
अच्छा आप सुनो, आइस और पानी की बॉटल अंदर ले आओ, ठीक है? जी। इतनी जल्दी भी क्या है यार, पहले थोड़ा माहौल बना लेते हैं, दो तीन पैग लगा लेते हैं। मैं सोच रही थी कि जब तक आइस आ रही है तब तक हम थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। अच्छा। दीदी वो रुको, इधर आओ। शिखा देखो, ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुमको माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा कभी भी कमरे में आओगी तो नॉक करके आओगी, समझ गए मेरी बात? जी दीदी। रख दो इसको। Come on, let's continue. नहीं मैं सोच रही थी पहले माहौल ही बना लेते हैं, क्या है ना कि मूड तो उस गवार ने खराब कर दिया है। तो चलो आओ। सुनो ना, मुझे इस प्रमोशन लिस्ट में अपना नाम चाहिए। नाम चाहिए मतलब? हो सकता है तुम्हारा नाम ऑलरेडी हो उसमें। नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हें कैसे पता? तुमने बॉस का कंप्यूटर चेक किया क्या? अरे तुम पागल हो क्या? हाँ हूँ मैं पागल, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। देखो मुझे प्रमोशन चाहिए, कुछ भी करके, किसी भी कीमत में। कमाल है यार, 3 महीने पहले तो मैंने तुम्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव से जूनियर मैनेजर की पोजीशन दिलवाई थी, तुम्हें प्रमोट किया था, और तुम दोबारा प्रमोशन चाहती हो? That's not possible. देखो मुझे नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन ये प्रमोशन तुम ही दिलवाओगे, समझे? कमाल है यार, तुम तो जिद पकड़ के बैठ गई हो। अरे मैं भी कंपनी का एक एम्प्लॉई हूँ, मेरी भी लिमिटेशंस है, मैं कोई बॉस थोड़ी हूँ। तुम समझती क्यों अपने आप को है जो मुझ पर इतना हक जता रही हो और मुझ पर रोब झाड़ रही हो? भूलो मत मैं बॉस हूँ तुम्हारा। बॉस हो तो फिर मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। एक बात कान खोल कर सुन लो, बॉस तो मेरे ऑफिस में हो, इस बेड पर नहीं। अनीता प्लीज कम डाउन, आई एम सॉरी। देखो मेरा मतलब वो नहीं था, तुम समझने की कोशिश करो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम हेल्पलेस। तो फिर किसके हाथ में? अरे बाबा खन्ना सर के हाथ में है, बॉस के हाथ में सब कुछ। मैं टिफिन नहीं लेकर जाती ऑफिस, रहने दो। ये देखो ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, सबसे पहला जो नंबर है वो मेरा है, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, और बाकी के जो नंबर हैं वो इमरजेंसी सर्विस के नंबर हैं। इमरजेंसी सर्विस समझती हो? हाँ दीदी। दीदी मैं गरीब जरूर हूँ पर अनपढ़ नहीं, मैंने 8वीं पास की है और मुझे पता है कि कौन सा इमरजेंसी में कौन सा नंबर मिलाना है, पुलिस फायर डिपार्टमेंट सबका नंबर याद है मुझे। बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम सिर्फ 8वीं तक क्यों पढ़ी, उसके आगे क्यों नहीं? माँ गुजर गई ना इसलिए, फिर गुड्डू की भी तबीयत खराब हो गई और मुझे ही पूरे घर की देखभाल करनी पड़ी, इसलिए मेरी पढ़ाई भी छूट गई। सो सैड। चलो लेकिन मुझे अब लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए मुझे जाना पड़ेगा, और बाकी की बातें हम लोग शाम को करेंगे, ठीक है? बाय।
कम इन टू माई केबिन. यस सर, अभी आई. Come in. PPT ready हो गया नीता? जी सर. ये रहा. Good. Capital growth, assets, self production किधर है? सर इसी में है. ये रहा. और ये देखिए डिमांड फोरकास्टिंग भी है. और सर ये देखिए. ठीक है, तुम मुझे मेल कर देना. ठीक है सर. लेकिन आप. हाँ मेल कर देना. थैंक यू सर. अजय कम इन टू माई केबिन जल्दी. मे आई कम इन सर? अजय ये अनीता का क्या चक्कर है? मुझ पर डोरे क्यों डाल रही वो? ओ, आप पर? अब समझा सर. एक्चुअली उसे प्रमोशन चाहिए और उसे पता है कि कैंडिडेट्स की लिस्ट आप ही बना रहे हैं, शायद इसलिए. अगर ऐसी बात है तो उसे बता देना कि मुझे सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं है. कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रमोशन के चक्कर में अपना जॉब भी खो बैठे. ओके सर, मैं बोल दूंगा. लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसके घर एक बार जरूर जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि सर उसके घर में कुछ ऐसा है जो आपको जरूर पसंद आएगा. अच्छा, अब तुम कह रहे हो तो फिर एक बार तो घर जाना बनता है. तो बॉस पर भी अपना जादू चला ही दिया तुमने. बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी आज. मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए, फिर तुम्हारी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता. सच्ची? सच्ची मुच्ची. लेकिन घर लेके जाओगी कैसे? डोंट वरी. क्यों ना अजय, क्या पता आप मेरी गाड़ी खराब हो जाए और वो मुझे घर तक ड्रॉप कर दे. क्यों ना बनो. स्मार्ट गर्ल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. अगर आप मुझे लिफ्ट नहीं दी होते तो पता नहीं कैब कब मिलती और कब मैं घर पहुंचती. अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूंगा. आइए. ये कौन है? ये मेरी मेड है शिखा. बेला पहले बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी या फिर बिस्की? एनीथिंग. ओके, तो रूम में चल के बात करें. चल. अच्छा सुनो, आइस और पानी की बॉटल रूम में भेज दो. सर प्लीज बैठिए. एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड मैं दो मिनट में चेंज करके आती हूँ. नो प्रॉब्लम, चेंज कर लो. आप प्लीज कंफर्टेबल रहिए. हाँ हाँ एकदम. मेरे लिए ड्रिंक नहीं बनाओगी? मुझे नहीं आता. आ जाओ मैं बताता हूँ. हाँ.
बैठो, बॉटल उठाओ, ये वाला अभी से खोलो, ऐसे नहीं ऐसे, अब ग्लास उठाओ, ऐसे, अब इसमें आइस है, कुछ नहीं। अरे क्या सर, आपने खुद ही ड्रिंक बना ली? अच्छी है ड्रिंक भी और तुम्हारी भेंट भी। सर वैसे मैं सोच रही थी कि आज रात अगर आप यहीं रुक जाते तो मैं आपकी अच्छे से सेवा कर पाती। मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? सर आई मीन यस अनीता, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो मुझे खुश करना होगा। सर ऑफ कोर्स आई मीन आई एम रेडी। तुम्हारी नहीं, शिखा की बात, मुझे शिखा चाहिए। सर शिखा मेरी मेड है, आई मीन कहाँ मैं और कहाँ वो, आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कहाँ वो और कहाँ तुम, वो एकदम फ्रेश है, तुम्हारी तरह यूज्ड नहीं है, एकदम रॉ मटेरियल है तुम। तो बोलो, डील मंजूर हो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, नहीं तो तुम प्रमोशन को भूल जाओ। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे बनाने की। तुम उसे मना लो, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। और हाँ ये ड्रेस बहुत अच्छी है, शिखा पे बहुत अच्छी लगेगी, उसे पहना देना। दीदी वो खाना तैयार, मुझे भूख नहीं है। अच्छा सुन इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। एक बात बताओ, तुम जब से इस घर में आई हो गुमसुम सी रहती हो, बात नहीं करती, चलो आज अपने बारे में बताओ। दीदी कुछ है ही नहीं बताने लायक। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा अब अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। नहीं दीदी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कभी इन चीज़ों में पढ़ी नहीं हूँ और मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं। सच में तेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? नहीं दीदी। अच्छा दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। आज वो जो अंकल आए थे ना वो सही नहीं है, मुझे छेड़ रहे थे। मुझे ये सब पसंद नहीं है दीदी, आप उनसे कह देना कि अगली बार से ऐसा ना करें। अरे पागल वो मेरे बॉस हैं और वो कितने रईस हैं, कितना पैसा है उनके पास पता है तुझे? और सबसे अच्छी बात ये है कि वो तुमको बहुत पसंद करते हैं, अगर एक बार तुमने उनको खुश कर दिया ना तो वो तुमको माला माल कर देंगे। ये आप क्या कह रही हो दीदी? अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं यहाँ नौकरानी बनकर क्यों आती? दीदी मैंने भी दुनियादारी बहुत देखी है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी करेगी।
तुम तो गलत समझ रही हो मुझे। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। दीदी मैं जो करने आई हूँ वही करूंगी। ठीक है। दो कौड़ी की नौकरानी अब मुझे नखरे दिखा रही है। क्या दिमाग है। हरी पापा आइए ना। गुड अब तबीयत ठीक है? हाँ दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बैठ। गुड्डू तुझसे मिलने की जिद कर रहा था इसलिए मैं लेकर आ गया। लेकिन तू तो पहचानने में नहीं आ रही, बिल्कुल अपनी मेम साहब जैसी लग रही है। वो अनीता दीदी ने मेरे पुराने कपड़े पहनने से मना कर और अपने कपड़े मुझे दे दिए इसीलिए। अनीता जी तो बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा तू बता तू क्या खाएगा, आइसक्रीम या चॉकलेट? दोनों खाऊंगा दीदी। ठीक है मैं लाती हूँ। शिखा पापा आपने जांच करवाई गुड्डू की? हाँ बेटा। क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन करने को बोल रहे हैं, कहते हैं जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाया तो कुछ भी हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इसमें सोचना क्या है पापा, आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते हो? बेटा 2 लाख रुपए का खर्चा। 2 लाख कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सोच रहा हूँ कि अपना घर भेज दूं लेकिन 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। पता नहीं गुड्डू को बचा पाऊंगा या नहीं। शिखा इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? वो कुछ नहीं दीदी, पापा आए थे। तो पापा आए थे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? पापा ने कहा कि गुड्डू के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। अब बैठे बस इतनी सी बात पे तो परेशान हो गई। तो 2 लाख रुपए का इंतजाम बस 2 दिन में कर सकती है, बताया तुझे? वो कैसे थी? तुझे मेरा एक काम करना। तुझे याद है कल तू जिस अंकल के बारे में बात कर रही थी? तुझे पता है वो तुझे बहुत पसंद करते हैं। बस तुझे उनको खुश करना होगा। देख ये जो भी है ना बस एक बार करना होगा, बस एक बार। ठीक है दी। कल तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज इतनी जल्दी कैसे मान गई? क्या हुआ तुझे? मेरे इकलौते भाई की जान से कीमती नहीं है मेरी इज्जत, और अगर इस इज्जत से मेरी भाई की जान बच सकती है तो मुझे मंजूर है। पर दीदी मुझे पैसे तुरंत चाहिए। तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, पैसे तुझे मिल जाएंगे ये मैं गारंटी देती हूँ। कहीं तो आज ही बुला लूं उनको। Beautiful.
जो नशा तुझ में है वो इसमें। दीदी मेरे पैसों का क्या हुआ? एक दो दिन में मिल जाएंगे तुमको पैसे। पर आपने तो कहा था कि मुझे पैसे तुरंत मिल जाएंगे। दो दिन हो चुके हैं, अब तक पैसे नहीं मिले। दीदी मुझे गुड्डू का ऑपरेशन करवाना है, आप कुछ भी करके आज पैसे दिलवा दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। सर क्या है ये, आपने मुझे धोखा दिया है? काम डाउन अनीता, काम डाउन, बैठो, बैठ के बात करते हैं। सर मुझे बैठना नहीं है, एक्चुअली आई नीड एन आंसर कि इस लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है। कमाल है अनीता, मैं तुम्हें यहाँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पोस्ट देने के लिए सोच रहा हूँ और तुम यहाँ सेल्स मैनेजर के पोस्ट के लिए अटकी हुई हो। ठीक है, अगर तुम्हें वही चाहिए तो मैं तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए आगे भेज देता हूँ। नो नो सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। सोच रहा हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है सब कुछ, उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ सर, ऑफ कोर्स, इस अपॉर्चुनिटी के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, आप बस बोलिए। दो फॉरेन के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, तुम्हें उनको खुश करना होगा। सर आई एम ऑलवेज रेडी, यू नो दैट। तुम तो रेडी हो, पर शिखा वो रेडी है क्या? शिखा सर फिर से? हाँ, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो शिखा में है, तो पहले उसे रेडी करो फिर मुझे बताओ। ओके सर, बट उसके लिए मुझे कुछ दिनों की जरूरत पड़ेगी, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। फॉरेनर लोग 3 दिन में लैंड कर रहे हैं, तुम्हारे पास तब तक का टाइम है। अब तो मुझे अपनी नौकरानी से जलन होने लगी, सब उसी के दीवाने हुए जा रहे हैं, है ना सर? सर एक बात बताएंगे मुझे, ऐसा क्या है उसमें जो मुझमें नहीं है? वही जो उसने अब तक संभाल के रखा है, नयापन और मासूमियत। दीदी क्या हुआ मेरे पैसों का? हो गया तुम्हारे पैसों का इंतजाम, अगले 3 दिनों में तुमको अपने पैसे मिल जाएंगे। और शिखा 2 लाख नहीं, इस बार तुमको 4 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको मेरा एक और काम करना पड़ेगा। अब क्या काम? तुमको और 2 लोगों को खुश करना है। नहीं दीदी, हमारी सिर्फ एक ही बार की बात हुई थी और मुझे ये ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे 2 लाख दे दो। देखो बात ऐसी है कि अगर तुमको अपने पैसे चाहिए तो तुम उन दोनों को खुश करोगी। मैं ना अब किसी को खुश नहीं करने वाली, आप बस ये बता दो कि आप मेरे 2 लाख दे रहे हो या नहीं। नहीं दे रही। ठीक है, फिर मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, अब पुलिस ही फैसला करेगी कि क्या करना है। रुक रुक, तू कहीं नहीं जाएगी। छोड़, देख भलाई इसी में है कि तू मेरी बात मान जा। छोड़ो मुझे। शिखा प्यास लगी है, पानी पिएगी? तो मान जा मेरी बात, कर दे उन दोनों को खुश, बोल करेगी? पता मानेगी मेरी बात? तुझे तेरी अकड़ है ना, मैं ठीक कर दूंगी। अब ना तुझे पानी मिलेगा और ना खाना, मर यहां पे। अनीता, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? हाँ, खन्ना सर का ही काम कर रही थी, वो वर्क फ्रॉम होम दिया उन्होंने। ओह, अब समझा, खन्ना सर की तुम खास जो हो गई हो, इसलिए ऑफिस आओ या ना आओ कौन पूछने वाला, राइट?
वैसे मैं एक तुम्हें बात बताऊं, अगर तुमने खन्ना सर का काम टाइम पे नहीं किया ना, तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन के चक्कर में जॉब से भी हाथ धोना पड़े। सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। मानेगी मेरी बात? मानेगी कि नहीं? अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन भूखी प्यासी रहती है तू। ये जो तेरी अकड़ है ना, मैं कैसे तोड़ती हूँ तू देख। और तुझे क्या लग रहा है, कोई आएगा और तुझे बचा के लेके जाएगा? तुझे मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं बचा सकता, समझी? तो जितनी जल्दी मेरी बात मान लेगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा, समझी कि नहीं? नमस्ते। आप? वो शिखा दिखाई नहीं दे रही। असल में वो मेरे एक रिश्तेदार के घर गई है, यहीं दिल्ली में। उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन था और उन्हें मेड की जरूरत थी, तो मैंने शिखा को भेज दिया। आप घबराइए मत, उसके अलग से पैसे मिलेंगे उसको। ठीक है, मैं कल आकर मिलूंगा उससे। नहीं नहीं, आप यहीं रुके। ये लीजिए, अगले मंथ का एडवांस है। लेकिन महीना खत्म होने में तो अभी एक हफ्ता बाकी है। तो एक हफ्ते बाद तो आप लीजिएगा ही ना, अभी ले लीजिए। वैसे भी मुझे पता है कि गुड्डू के इलाज के लिए आपको पैसे चाहिए, रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप कल मत आइएगा। असल में क्या है ना कि शिखा आपको देख लेती है तो बहुत मायूसी हो जाती है फिर, तो आप यहाँ थोड़ा कम ही आया जाया करिए। वो मैं एक बार शिखा को देख लेता तो अच्छा था। अरे आप अगले महीने तो आएंगे ना पैसे लेने, तब देख लीजिएगा। देखिए मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, आप अब जाइए। नमस्ते। मैं शिखा से फोन पर भी तो बात कर सकता हूँ। अनीता जी से कहता हूँ कि शिखा से मेरी फोन पर बात करा दे।
ले जाओ इसको। शिखा कैसी हो? शिखा सर आप भी यहाँ? देखो शिखा, ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत गुड्डू का इलाज हो सकता है और वो भी फ्री में। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, बस तुम दोनों हमारे साथ चलो।